शाम सुरमई हो चली थी। थका थका सा निढाल सूरज धीरे धीरे पश्चिम दिशा में डूब रहा था। उसकी सिंदूरी किरणें वातावरण में फैली हुई थीं। तहसील बिलाईगढ़ के एक गांव के बाहर अमराई में दो युवा जोड़े प्रेम अलाप में मशगूल थे। आम के दरख्तों की टहनियों में बौर निकल आए थे। टहनियों के बीच कंचे के बराबर अमियां हवा के झोंके से झूम उठा करती थीं। कोयलों की कूक और अमियों की सुगंध से नंदिनी खगेश्वर के प्यार में बढ़ोत्तरी ही हुई थी। नंदिनी खगेश्वर की बाहों से खुद को आजाद करती हुई हांफ उठी थी। खुद को संभालते हुए और अपनी अनियंत्रित सांसों को काबू करती हुई फुसफुसाकर खगेश्वर प्रसाद से बोली, तोशु। खगेश्वर को वह प्यार से तोशु कहती थी। बहुत देर हो गई है, अब मुझे जाने दो, घर वालों को कहीं शक न हो जाए। तुम्हें पता नहीं कि मैं दिशा मैदान के बहाने बड़ी मुश्किल से निकल पाई हूँ। जब भी दिशा मैदान की बात आती है, घर वाले कहा करते हैं कि घर में शौचालय स्नानागार की पूरी सुविधा है। इसके बावजूद भी तुम नहाने तालाब पट और दिशा मैदान के लिए बाहर जाती हो, ऐसा क्यों करती हो? बस यही कहती हूँ कि घर में रहे रहे हाथ पैरों की वर्जिश नहीं हो पाती, इसलिए इसी बहाने बाहर हो आया करती हूँ। अब तुम बताओ कि हमेशा तो मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी। खगेश्वर उर्फ तोशु ने फिर से नंदिनी को अपनी बाहों में लेना चाहा, लेकिन नंदिनी खुद को बचाती हुई बोली, किसी रोज हम पकड़े जाएंगे, मुझे हमेशा अनजाना सा डर लगा रहता है। आखिर हम कब तक ऐसे ही लुकछिप कर मिला करेंगे? कुछ महीनों की बात है, मैंने कुछ रुपए इकट्ठे कर रखे हैं। कुछ रुपए और हो जाएं तो यह लुकछिप कर मिलने वाली बात ही नहीं रहेगी। हम यहाँ से निकलकर कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले सिर ढकने को छत चाहिए। 2 से 4 महीने के खर्च के लिए रुपए भी चाहिए। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। रायपुर के जयहिंद चौक शीतला मंदिर के पीछे लोधी पारा में मैंने सभी सुविधाओं वाला एक घर देख रखा है, तोशु गंभीर होता हुआ बोला। नंदिनी जरा नागवारी के अंदाज में बोली, महीनों से सुन रही हूँ घर रुपए घर रुपए। तुम मुझे यहाँ से ले चलो, दोनों इकट्ठे मिलकर कमाएंगे, 12वीं तक मैं भी तो पढ़ी हूँ। 12 से 15 हजार रुपए मैं खुद कमा सकती हूँ। 10 से 12 हजार तुम कमा लोगे। 20 से 25 हजार में दाल रोटी तो चल ही जाएगी। तोशु बोला, मेरा वादा है, अगले महीने की 25 तारीख को हम दोनों यहाँ से निकल चलेंगे। लेकिन मेरी शर्त है, मैं अपने वादे पर तभी अमल करूँगा जब तुम मुझे, कहते हुए तोशु ने निश्चिंत खड़ी नंदिनी के मुखड़े को हथेलियों के बीच लेते हुए भरे भरे होठों का चुंबन लिया, गहरा और चटक चुंबन। अब मैं तुमसे 25 तारीख को ही मिलूंगी, नंदिनी मीठी झिड़की लगाती हुई बोली। 25 तारीख आने में अभी 1 महीना बाकी है मेरी जान, तब तक मैं कैसे गुजारूंगा? तोशु तुरंत मनोहार करते हुए बोला। ये तुम जानो, मैं चली। याद रखना, 25 यानी 25। फिर नंदिनी वहां रुकी नहीं, तोशु पीछे से पुकारता रह गया, सुनो तो सुनो नंदिनी। नंदिनी को रुकना नहीं था, वह वहां रुकी नहीं। इसके बाद नंदिनी ने किसी भी बहाने अब घर से निकलना बंद कर दिया। नंदिनी कोसरिया और खगेश्वर कोसरिया उर्फ तोशु छत्तीसगढ़ के जिला बलौदा बाजार के कस्बा बिलाईगढ़ के रहने वाले थे। दोनों ही एक दूसरे को दिलोजान से चाहते थे, लेकिन मुलाकात न हो पाने की वजह से तोशु अधजले परवाने की तरह छटपटाने लगा। नंदिनी भी अंदर ही अंदर छटपटाती रही, लेकिन तोशु से मिलना उचित नहीं समझा। ऐसा उसने इसलिए किया कि यदि वह तोशु से मिल लेती तो तोशु फिर अपने वादे पर कायम नहीं रह पाता। प्यार में तड़प जरूरी थी, भले ही वह तोशु से मिलने के लिए मन ही मन व्याकुल हुए जा रही थी। नंदिनी से मुलाकात करने के लिए उसने बहुतेरे प्रयास किए, लेकिन असफल ही रहा। तोशु अपने घर के बरामदे में उदास बैठा हुआ था कि एक 10 से 12 साल की एक लड़की दौड़ती हुई आई और तोशु के हाथ में एक कागज थमा गई। उसी पैर लौटने हुए वह बोली, नंदिनी दीदी ने तुम्हें देने को कहा है। फिर वह अबोध लड़की वहां ठहरी नहीं, कुलाचे भरती हुई वहां से निकल गई। तोशु वापस लौटकर बरामदे में बैठा और तय किए हुए उस कागज की परतें खोली। उस खत में कुछ ही लाइनें लिखी थीं। वह इस राइटिंग को बखूबी पहचानता था। वह उसकी प्रेमिका नंदिनी की थी। लिखा था, तोशु जान, जुदाई के ये पल आत्मा को लहूलुहान कर रहे हैं। मुझे एहसास है कि इस पीड़ा से तुम भी घायल जरूर हो गए होगे। 23 तारीख को वहीं मुलाकात होगी। उम्मीद है भविष्य में साथ रह सकें। तैयारी तुम्हारी ओर से पूरी हो गई होगी। मैंने अभी से पैकिंग करनी शुरू कर दी है। बस मुझे तुम्हारे पैरों के निशान पर कदम बढ़ाना है। तुम्हारी नंदिनी। तोशु की आंखों में आंसू झिलमिला उठे।
खत में उसे नंदिनी का चेहरा उभरता दिख रहा था। उसने कई बार खत को उस रात पढ़ा। नंदिनी के शब्दों पर उसने दीवानों की तरह चुंबन लगाए। दो दिन बचे थे। नंदिनी के दिए गए समय को आने में दो दिन उसने जैसे अंगारों पर लौटकर समय गुजारा। इस बीच उसे अपनी शेव करने का ख्याल भी नहीं आया। पहले से मुकर्रर मिलने की जगह पर तोशु पहुंचकर प्रेमिका का इंतजार करने लगा। उस ओर टकटकी लगाए हुए निहार रहा था जिस रास्ते से नंदिनी को वहां पहुंचना था। शाम को धुंधल का काबिज हो चुका था। कोहरे ने बिलाईगढ़ कस्बे को अपने में समेटने का भरसक आभास वातावरण में व्याप्त था। डॉट प्रयास किया था शाम होने के पहले ही शाम का। उसने देखा कोहरे की धुंध को चीरती हुई कोई चली आ रही है। कदकाठी और चलने के अंदाज ने उसे इस बात का एहसास करा दिया कि आने वाली उसकी जाने जिगर जाने तमन्ना नंदिनी है। तोशु ने कोहरे में ही हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का भान नंदिनी को करवाने का प्रयास किया। नंदिनी दूर से ही तोशु को पहचान चुकी थी। पहचानती भी क्यों नहीं, 7 महीने से दोनों प्रेम के झूले में जो झूल रहे थे। नंदिनी तोशु के करीब पहुंची। दौड़कर नंदिनी अपने तोशु के कंधे से जा लगी। सिसक जो पड़ी नंदिनी, अनायास तोशु के हाथ गर्दिश करने लगे। सुबकती हुई नंदिनी बोली, कैसे मैंने इतने दिन गुजारे तोशु, अब मैं तुमसे एक पल को अलग नहीं रहूंगी। तुम्हारी कसम तोश, जुदाई के पल कितने गहन और भयावह हुआ करते हैं, सोचने से ही कलेजा मुंह को आ जाता है। अपने से दूर करता हुआ भई आवाज में तोशु बोला, मेरी भी स्थिति तुमसे अलग नहीं रही है। जुदाई के गम को किसी तरह बर्दाश्त करता रहा हूँ। दोनों वहीं एक पत्थर की आड़ लेकर बैठ गए। उन दोनों में भविष्य को लेकर बातचीत होने लगी। बातचीत में यह बात उन लोगों के बीच मुख्य रही कि कब, कहाँ और कितने बजे मिलना है। उस दिन लुकाछिपी का उनका यह मिलन आखिरी था। रात के चौथे पहर में नंदिनी घर छोड़कर निकल गई। अल सुबह आवागमन का साधन तो था नहीं, पहले से ही खगेश्वर ने अपने दोस्त से एक बाइक की व्यवस्था कर ली थी। बाइक पर सवार होकर वह बिलाईगढ़ से बलौदा बाजार पहुंचा। बाइक को वह कहां खड़ी करेगा, कहां रखेगा, बाइक की चाबी किसको सौंपेगा, यह सब उसने अपने दोस्त को पहले से ही बता दिया था। बलौदा बाजार से सुबह सुबह बस पकड़कर वे दोनों रायपुर पहुंचे। यहां पर खगेश्वर उर्फ तोशु ने पहले से ही लोधीपारा शीतला मंदिर के पास किराए का कमरा ले रखा था, लिहाजा खगेश्वर को नंदिनी को यहां वहां लेकर भटकना नहीं पड़ा। मकान मालिक अरुण जहोल को उसने नंदिनी का परिचय अपनी पत्नी के रूप में कराया। पहचान के लिए उसने मकान मालिक को आधार कार्ड दिखाया। संतुष्ट होने के बाद अरुण जहोल ने किराए पर उन दोनों को कमरे की चाबी दे दी। 15 दिन तक दोनों भयभीत रहे। दोनों के घर वालों को यह समझते देर नहीं लगी कि दोनों गांव छोड़कर चल गए हैं। थोड़ा होहल्ला हुआ गांव में। चूंकि दोनों एक ही जाति के थे इसलिए यह मामला विशेष तूल नहीं पकड़ा। दोनों के घर वालों को यह समझने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई कि नंदिनी खगेश्वर के साथ भाग गई है। नंदिनी के पिता ने बेटी के गायब होने की थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखाई। जो होना था वह हो चुका था, सांप निकल चुका था। लकीर पीटने से हालात सुधर नहीं सकते थे, लिहाजा दोनों पक्षों ने खामोशी से समझौता कर लिया था। इधर दूसरी ओर खगेश्वर कब तक घर में बैठा रहता। उसने एक कपड़े की दुकान में नौकरी कर ली। खगेश्वर जब काम पर चला जाता तब नंदिनी घर में अकेली बैठी बोर होती। खगेश्वर से उसने एक बार कहा, तुम्हारे काम पर चले जाने के बाद घर में मैं अकेली बोर हो जाया करती हूँ, अगर तुम कहो तो मैं भी कहीं कुछ काम कर लूं। इससे आमदनी तो बढ़ेगी, साथ ही मेरी कर लूं। इससे आमदनी तो बढ़ेगी, साथ ही मेरी बोरियत भी दूर हो जाएगी। पहले तो खगेश्वर ने उसे नौकरी के लिए मना किया, लेकिन नंदिनी के काफी मनुहार और बोरियत का हवाला देने पर किसी तरह से वह राजी हो गया। इस दिशा में नंदिनी को बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ा, उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। आय का जरिया भी बढ़ गया और नंदिनी की बोरियत भी दूर हो गई। सब कुछ अच्छा अच्छा गुजरने लगा। दोनों को साथ रहते हुए 1 साल गुजरने को था। दोनों के घर वाले भी कभी कभी उनसे मिलने लोधीपारा आने जाने लगे थे। उनके घर वालों को यह देखकर संतोष मिलता था कि चलो दोनों कमा खा रहे हैं, सुखी हैं। दोनों के घर वालों को किसी तरह का किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रह गया था। जब सब कुछ अच्छा गुजरने लगा तो एक नया ही फितूर नंदिनी पर काबिज होता चला गया।
जब भी वह टीवी पर शादी से संबंधित रस्मों रिवाज होते हुए देखती तो उसे खुद से मलाल होने लगता था। अक्सर वह खगेश्वर उर्फ तोशु से इस बात का जिक्र कर बैठती कि काश हमारी भी ऐसी ही धूमधड़ाके से शादी हुई होती। तुम बारात लेकर आते, मंडप सजा होता, सहेलियों के बीच में छिपी होती। एक रस्म तुम्हें मालूम है तो जिस पत्तल पर वधु खाना खाती है उसी पत्तल को लपेट कर छिप कर उससे वर को मारती भी है। जब होना था तब तो हुआ नहीं और अब लाख चाहने के बावजूद यह संभव नहीं है। ऐसी बातें सोच कर क्यों अपना दिल दुखाती हो और मेरा मूड भी खराब करती हो, खगेश्वर ने समझाया। दोनों के बीच और कई तरह के मुद्दों को लेकर अक्सर तकरार होने लगती थी। मोहल्ले के लोग समझा बुझाकर दोनों को शांत करा दिया करते थे। अक्सर उन दोनों में इन्हीं बातों को लेकर जब तब कलह हो जाती थी। एक रोज खगेश्वर अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। अपने मोबाइल पर उसने शादी के रस्मों रिवाजों को शूट किया। शूट किए हुए मोबाइल की वीडियो उसने नंदिनी को दिखाई तो उसके सोए अरमान फिर जाग उठे। उसी मुद्दे को लेकर वह तकरार करने लगी। उसने उलाहना देते हुए खगेश्वर से कहा, लोग अपनी माशूका के लिए चांद सितारे तोड़ लाने का मादा रखते हैं और तुम हो कि मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। सुनो, मैं आसमां को बाहों में समेटने को नहीं कह रही हूँ, सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम दोनों एक बार रस्मों रिवाजों के मुताबिक शादी कर लेते, अच्छी सी पार्टी देते, ढेर सारे मेहमान आते, कितना अच्छा लगता। तोशु दिन भर का थका मांदा आया था। इस वक्त दोनों खाना खाकर बेड पर लेटे हुए बातें कर रहे थे। यार तुम समझती नहीं हो, अब न तुम माशूका रह गई और न मैं आशिक, हम दोनों का रिश्ता पति पत्नी का हो चुका है। वक्त गुजर गया इन सब बातों के लिए। कैसी बातें कर रहे हो, कौन सा हम लोग बुढ़े हो गए हैं या हमारे 4 से 6 बच्चे हो गए हैं। सच्ची कह रही हूँ तोश, मेरी यह इच्छा पूरी कर दो, वह मनुहार से बोली। 2 ही साल तो हुए हैं हमें पति पत्नी बने हुए। यार मेरा मूड खराब मत किया करो। मैं कहाँ खराब कर रही हूँ, पैसों को लेकर तुम चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं, बस तुम हाँ कह दो। माहौल तल्ख होता चला गया। तू मैं पर दोनों उतर आए। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि हालात बेकाबू होते चले गए। बात 2 मार्च 2022 की है। जिले के थाना पंडरी के थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर के पास एक युवक बदहवास सा तेजी के साथ थाने में आया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उस युवक को रोकना चाहा लेकिन वह रुका नहीं। युवक सीधे थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर के सामने जाकर बोला, साहब मेरा नाम खगेश्वर कोसरिया है, मैंने अपनी पत्नी नंदिनी को मार डाला, मैं बीवी का हत्यारा हूँ, उसकी लाश कमरे में पड़ी है। उसकी बात सुनकर थाना प्रभारी चौंक गए। उन्होंने उससे पूरी बात विस्तार से बताने को कहा। इसके बाद खगेश्वर उर्फ तोशु सब कुछ सिलसिलेवार बताता चला गया। पूरी बात सुनने के बाद राठौर ने यह बात एसपी प्रशांत अग्रवाल, एसपी तारकेश्वर पटेल को भी बता दी। उनके निर्देश पर खगेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस खगेश्वर को साथ लेकर उसके कमरे पर पहुंची तो वहां नंदिनी की लाश पड़ी थी। खगेश्वर ने बताया कि उसने नंदिनी का गला घोटा था। सामाजिक रीति रिवाज से शादी करने को लेकर उसने उसका जीना हराम कर दिया था, इसलिए गुस्से में उसे मार डाला। पुलिस ने मौके की कार्रवाई कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और खगेश्वर उर्फ तोशु से पूछताछ के बाद उसे हत्या के आरोप में 2 मार्च 2022 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज